हम हाँ मैम जारा से सवाल करते हैं कि आप हमें दुबई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। आई फील दैट दुबई कैन डू एनी जितने भी लाइक like, यहाँ पे जो भी है हर चीज़ के आपको ऐप्स मिलेंगे आपको कोई और सिटी में नहीं मिलेगी ऐप्स फॉर एवरी थिंग राइट Also, we have like life is so easy. Like you can get whatever okay. you let's, well, want. Okay. Let's let's uh, ask our audience as well. Uh, Sir, Jamiria, ha. क्या कहना चाहती हैं मैं एक एक मैं बताऊंगी सर मुझे लगता है कि ये औरतों के लिए सबसे से जगह, yes, सेफ जगह yes. है यस द सेफस्ट सिटी क्योंकि यहां पे जितनी औरत सेफ है ना आदमी नहीं है yes. बल्कि आदमी अनसेफ है अनसेफ है आदमी आदमी से अनसेफ है या औरतों से अनसेफ है हां औरतों से मेरे ख्याल में ओवरऑल जो सिटी है वो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी आई थिंक

आर्टिफिशियल uh, जिसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग उसको कहते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं यानी कई दफ़ा ये होता है कि खुद ब खुद कुदरती तौर पर यहाँ पे बारिश हुई और लोग कहते देखे शेख साहब ने बारिश करा दी थी यानी वो लोग हाइप करना उसको पसंद करते हैं मैं उस पर पूरी रिसर्च पढ़ रहा था जो साइंटिस्ट हैं यहाँ उस क्लाउड सीडिंग के पीछे एंड दे वर से ट्वेंटी रेशियो कि वो अगर कोशिश करते हैं तो वो बारिश ज़रूरी नहीं है हो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बारिश नहीं होती बल्कि आज मैंने किसी जगह पे पढ़ा है कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है ये क्लाउड सीडिंग का लाहौल के अंदर आई डोंट नो डों सक्सेसफुल किसी को अगर इन्फॉमेशन है आ, नहीं है तो जो लोग कमेंट करेंगे ज़रा बताइएगा कि वो सक्सेस uh, uh, फुल हुआ वो प्रोग्राम या, या नहीं मेरा ख्याल है कि तो जाहिर है वो प्रूवन रिकॉर्ड है इनका लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ एक मुस्लिम कंट्री में रहने का मौका मिल रहा है यानी आपके पास आ, पूरी दुनिया एक्सेसिबल है इस सिटी में रहने की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे बहुत मूव करती है आप आ, अपने रिलेशनशिप्स बना सकते हैं बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर ज़ाहिर है इनके जो लॉज़ हैं वो भी बहुत फ्रेंडली हैं एक्सपैट्स के लिए तो दैट्स वाई आई लाइक लिविंग हीयर आई एग्री विद वर यू सेग मैं पर्सनली जो इसमें पसंद करता हूँ तीन चार चीज़ें हैं बिजनेस मैनों सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेस्ट डेस्टिनेशन है आंट्रप्रनोर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि आपको एक्सेस मिलती है यहाँ अगर 200 सौ नेशनल हैं तो मैं अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ हो सकता है एक मेरा पार्टनर जो है वो कोत से है एक मेरा मोरक्को से है एक यूके से है जो स्टाफ काम कर रहा है तो मुझे एक्सपेंड करने में बड़ी आसानी होती है दूसरे मुल्कों के अंदर फिर उसके अलावा हब है यानी यहाँ से मैंने यूके जाना है आसान एक्सेस है मैंने पाकिस्तान जाना है इंडिया जाना है जहाँ भी जाना है अगर आप ऐसे बंदे हो जिसने आगे ज़िंदगी में ग्रो करना है कुछ बड़ा करना चाहते हो फिर यहाँ पे मज़ा ये है कि आपने देसी कल्चर का मज़ा लेना है डेरा की तरफ चले जाओ ओल मेहता की तरफ चले जाओ आपने यूरोप जाना है आप मरीना की तरफ चले जाओ डाउन टाउन मिक्सड है तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में उस लिहाज से बेस्ट सिटी इसको बनाती हैं